हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया सर। तो बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया था अपना चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। उसके अंदर बच्चों आज हमें पढ़ना है, आज के हमारे टॉपिक का नाम है, आप मेन हेडिंग डाल देना, हिस्टोग्राम। तो आज जितनी भी स्टडी हम करेंगे बच्चों, वो सारी की सारी रिलेटेड रहेगी हिस्टोग्राम से। चलिए तो फटाफट से रजिस्टर निकालना है बच्चों, और न्यू हेडिंग डालनी है रजिस्टर के अंदर, हिस्टोग्राम। तो इसमें लिखना है सबसे पहले, फर्स्ट एरो डाल के, इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूअस सीरीज। हिस्टोग्राम का उपयोग बच्चों कॉन्टीन्यूअस सीरीज में किया जाता है। कॉन्टीन्यूअस सीरीजेज आपको पहले पढ़ा रखी हैं, जिसके अंदर क्लास इंटरवल्स होते हैं, उसे कॉन्टीन्यूअस सीरीज बोलते हैं। तो हिस्टोग्राम जो है बच्चों, वो कॉन्टीन्यूअस सीरीज के अंदर बनाया जाता है। अब ये हिस्टोग्राम जो है वो क्या है, कैसे बनता है, और क्या है इससे रिलेटेड सारी बातें, तो आप बच्चों बिल्कुल ध्यान से पहले मेरी बातों को सुनते रहना। मैं लिखूँगा, जब आपको समझ आएगा तब आप अपने रजिस्टर में इन्हीं बातों को नोट करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल मैं ले लेता हूँ 100 टू 110, 110 टू 120, 120 टू 130, 130 टू 140। फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 3, 7, 11, 5 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया है, इस उदाहरण में इसे बोलते हैं इक्वल इंटरवल्स, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, इसे इक्वल इंटरवल बोल देते हैं बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो हमने जैसा कि लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ में सीखा था, बिल्कुल उसी तरह हम हिस्टोग्राम में भी तीन अलग अलग केसेस से बना सकते हैं। तो पहले आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनना, समझना, बाद में नोट करना है बच्चों। वाई एक्सिस पर तो हम फ्रीक्वेंसी मार्क करते हैं, जो भी हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, और एक्स एक्सिस पर हम जो क्लास इंटरवल है उनकी मार्किंग करते हैं, ओरिजिन ओरिजिन ओरिजिन, ठीक है। तो अब बच्चों जी ध्यान से सुनना है, एक केस है जिसमें अब हमारी शुरुआत हो रही है सीधा 100 से, 100 के बाद है 110। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने मान लिया 100, फिर 110, 120, 130 और 140। अब जैसा कि आपको याद होगा, 0 और 100 के बीच में अगर मैं 10-10 का गैप करूँगा, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 करके ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हमने सीख रखा है, हम क्या यूज़ करते हैं, किंग्ड लाइन। तो एक तरीका तो होता है कि हम इस प्रकार से किंग्ड लाइन का उपयोग कर लें। और अब ध्यान से देखना बच्चों, 100 से 110 की फ्रीक्वेंसी है 3, तो हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी में मार्किंग होगी, हम 100 और 110 इस पर एक रेक्टेंगल बना देंगे जो फ्रीक्वेंसी 3 के बराबर होगी। नेक्स्ट है 110 से 120, इसकी फ्रीक्वेंसी है 7, तो 110 से 120 वाली बिल्डिंग हम एक फ्रीक्वेंसी 7 के बराबर बना देंगे। सिमिलरली 120 टू 130 की है 11, तो 120 टू 130 की बिल्डिंग को हम 11 के बराबर बना देंगे। एंड 130 टू 140 की है 5, तो 130 टू 140 की 5 के बराबर बना देंगे। तो एक तरीका तो है हिस्टोग्राम को बनाने का इस तरह से, जिसमें हमने क्या इस्तेमाल करा, किसका इस्तेमाल करा, किंग्ड लाइन का इस्तेमाल करा, ठीक है ना। तो ये 3 केसेस जो हमने पहले भी सीखे थे, बिल्कुल वही सेम 3 केसेस हमने यहाँ पे भी सीख लिए। तो हम किंग्ड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका जिसमें हमें किंग्ड लाइन का यूज़ नहीं करना, और हमारी स्टार्टिंग ही हो रही है, हम यहीं पे लिख रहे हैं बिल्कुल इसी के नीचे 100, 110, 120, 130, 140। तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही बिल्कुल ज़ीरो के जस्ट नीचे ही 100 लिख कर करी, तो जो हमारी पहली बिल्डिंग बनेगी, जो पहला रेक्टेंगल बनेगा,
वो थोड़ा सा वाई एक्सिस को ओवरलैप करके ऐसे बनेगा 100 टू 110 का, फिर 110 टू 120, फिर 120 टू 130, देन 130 टू 140। तो उस केस में अगर हमारी स्टार्टिंग हो रही है कहाँ से, एग्जैक्टली 100 से, तो फिर हमारा हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि उसमें कोई गैप ही नहीं होगा और पहला रेक्टेंगल बिल्कुल वाई एक्सिस पर हल्का सा चिपक के ही बन जाएगा। तो एक तरीका है ये, और नहीं तो जो आपने एक तरीका है, अगर क्वेश्चन बोल दे कि ठीक है आप एक काम करो आप 90 से स्टार्ट कर लो, वो हमें एक 10 का गैप दे देता है, तो हम जीरो वाले के जस्ट नीचे 90 लिख लेंगे, देन 100, देन 110, देन 120, देन 130, देन 140। तो उसमें आपको 90 टू 100 कुछ भी नहीं है तो खाली छोड़ देंगे, एंड रिमेनिंग 100 टू 110 सेम, देन अगेन 110 टू 120 सेम, 120 टू 130 सेम, 130 टू 140 सेम। तो इस तरह से बच्चों हमारे हिस्टोग्राम को बनाया जाता है, रेक्टेंगल्स बनते हैं, बिल्डिंगें चिपक चिपक के बनती हैं। तरीके क्या क्या हो सकते हैं प्लीज़ ध्यान से देखना, एग्ज़ाम में कोई भी आ सकता है। या तो वो बोल देगा यूज़ किंक्ड लाइन, तो ज़ीरो से शुरू हुआ और सीधा मिनिमम वैल्यू 100 थी तो बीच में आपने किंक डाल दिया। हो सकता है वो बोल दे 100 से ही शुरू करो, तो जब 100 से ही शुरू करोगे आप तो वो वाई एक्सिस को इस तरह से हल्का सा टच कर जाएगा। और वो हो सकता है आपको मार्जिन दे दे, बोल दे 90 से शुरू करो, तो आपने ओरिजिन के नीचे लिख लिया 90, 90 और 100 में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं बनाना, उसके बाद 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140। तो इस प्रकार से आप, ये मैंने जो केस आपको समझाया ये समझाया इक्वल इंटरवल का, यानी कि इसमें बराबर बराबर के इंटरवल हैं, सबका गैप है 10, 10, 10, 10। उसमें तीन केसेस हैं बच्चों जिसमें आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं इस प्रकार से, किंग्ड लाइन के साथ, क्या पता वाई एक्सिस से बिल्डिंग चिपक जाए, और क्या पता नॉर्मल इस तरह से बन जाए। तो आप अब इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप भी अपने रजिस्टर में इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए। चलो ठीक है सर, बना लिया, नोट भी कर लिया हमने अपने रजिस्टर में। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, फिर तो बढ़ते हैं आगे। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों आपके साथ कि हो सकता है हिस्टोग्राम बनाने को आए और उसमें कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो एक बार देखते हैं क्या क्या वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक में लिखते हैं मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसी। मिड पॉइंट्स में लिख लेते हैं 150, फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 8। मिड पॉइंट में ले लेते हैं 160, फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 10। मिड पॉइंट में ले लेते हैं 170, फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 25। मिड पॉइंट में ले लेते हैं 180, फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 12। एक केस ये बना लेता हूँ बच्चों आपको समझाने के लिए। इसके अलावा एक केस में ले लेते हैं क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, और इसमें भी ले लेते हैं क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। इसकी चर्चा में अभी थोड़ी देर में आते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि अगर हमें मिड पॉइंट्स गिवन हैं तो, व्हेन मिड पॉइंट्स आर गिवन, तो बच्चों मिड पॉइंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी जानकारी ले रखी है कि मिड पॉइंट क्या होता है। मिड पॉइंट का मतलब बच्चों ये होता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो होती है क्लास इंटरवल की, उसके बिल्कुल बीच का पॉइंट, उसे मिड पॉइंट बोलते हैं। उसके बिल्कुल बीच का पॉइंट, उसे मिड पॉइंट बोलते हैं। तो कई बार बच्चों हो सकता है क्वेश्चन आपके साथ चलाकी करे और आपको मिड पॉइंट्स दे दे और बोले हिस्टोग्राम बनाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको पहले मिड पॉइंट से कन्वर्ट करके क्लास इंटरवल में इस टेबल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मिड पॉइंट से कभी भी हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। यू कैन नॉट प्रिपेयर हिस्टोग्राम फ्रॉम मिड पॉइंट्स। तो आपको मिड पॉइंट्स को कन्वर्ट करके पहले क्लास इंटरवल में बदलना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी तो चलो गिवन होगी, सेम हम लिख लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मिड पॉइंट से पहले क्लास इंटरवल्स को निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब इसका प्रोसीजर क्या होता है,
पहले मैं बेसिक प्रोसीजर बता देता हूँ, फिर कॉमन सेंस में भी कर सकते हैं। बच्चों आपको क्या करना है, 150 का और 160 का डिफरेंस देखना है कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो बताओ इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, 150 और 160 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10, 10 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो 10 को आपको 2 से डिवाइड करना है, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब इंटरवल्स कैसे बनेंगे, देखो जैसे ही पता लगा 5, तो 5 को इसमें से माइनस भी कर दो, 5 को इसमें ऐड भी कर दो, तो क्या बन गया, 145 टू 155। तो इस तरह से आपको क्लास इंटरवल पता चलता है बच्चों, है ना। और अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर कोई हमसे 145 और 155 का मिड पॉइंट पूछेगा तो इसका मिड पॉइंट क्या आ रहा होगा, 150। तो आपको मिड पॉइंट से क्लास इंटरवल ऐसे पता लगाना है। फिर नेक्स्ट 160 है, उसमें भी 5 को कम कर दिया, 5 को बढ़ा दिया, तो ये बन गया अगला क्लास इंटरवल। उसके बाद ये बन गया अगला क्लास इंटरवल, एंड सिमिलरली ये बन गया अगला क्लास इंटरवल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कि मिड पॉइंट से आपको क्लास इंटरवल निकालने हैं। उसके बाद हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, सेम प्रोसीजर एज डिस्कस्ड। बस उसके बाद जैसे ही आपको क्लास इंटरवल पता चल गए, उसके बाद क्या करना है आपको, बिल्कुल वही काम जो आपने करा, जैसे आपने क्लास इंटरवल से हिस्टोग्राम बनाए, तो उसके बाद आप बिल्कुल इसी तरह इस क्वेश्चन को समझ के हिस्टोग्राम बना लोगे। लेकिन मेन चीज़ क्या है, मिड पॉइंट से पहले क्या करना है, क्लास इंटरवल निकालने हैं। और कैसे निकालने हैं, फिर से स्टेप बता रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या था, 10, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2, 5, तो 5 को कम कर दिया, 5 को ही बढ़ा दिया, तो बन गया 145 टू 155। इसी तरह आपको क्लास इंटरवल मिल जाएंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला केस समझ आया हो, ठीक है सर। नेक्स्ट केस 2, अब देखो बच्चों, क्लास इंटरवल 10 से 15, 7, 15 से 20, 19, 20 से 30, 28, 30 से 40, 12 और 40 से 60, 24। तो इस बार आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ऐसी दे रखी है, तो कुछ आपको लग रहा है, कुछ गड़बड़ झोल लग रही है क्या कि भाई कुछ है क्या, सर हाँ, इसे बोलते हैं बच्चों, ये सबसे स्पेशल केस है, अनइक्वल इंटरवल्स। देख पा रहे हो ना, क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है, अनइक्वल इंटरवल्स दिए हैं। पहले देखो 10 से 15, 15 से 20, सिर्फ कितना गैप है, 5 का। फिर दे दिया 20 से 30, 30 से 40, कितना गैप है, 10 का। और फिर तो दे दिया सीधा 40 से 60, कितना गैप है, 20 का। तो मतलब क्लास इंटरवल जो है वो अनइक्वल हैं, कभी 5 का गैप है, कभी 10 का गैप है, कभी 20 का गैप है। तो हम क्या करेंगे, चलो तो ये सीखते हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, तो हमें दोबारा से क्लास इंटरवल्स को ढंग से रिवाइज करके लगाना पड़ेगा, तो वो देखते हैं कि वो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से क्लास इंटरवल को इक्वल होने चाहिए, क्लास इंटरवल इक्वल होने बहुत ज़रूरी है, तभी तो हिस्टोग्राम बनेगा ना ऐसे रेक्टेंगल, क्योंकि आपके क्लास इंटरवल बराबर होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। तो इस केस को समझते हैं कि इस केस में हम कैसे बनाएंगे अपने क्लास इंटरवल्स को सही सही। तो ऐसा करते हैं बच्चों, क्लास इंटरवल हमारा है 10 से 15, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो है 7, ठीक है ना, तो ये तो 5 का गैप है, ठीक है। 15 से 20, इसकी भी गैप है 5, ठीक है। अब उसके बाद उसने दे दिया 20 से 30, यानी कितना गैप हो गया, 20 से 30 कितना गैप हो गया, 10 का गैप हो गया। तो हम ये मानेंगे कि अगर 5 का ही गैप होता, अगर 5 का ही गैप होता तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होती, अगर 5 का ही गैप होता, ठीक है ना। तो 20 से 30 तो डबल हो गया ना, 10 का गैप आ गया,
तो अगर 10 के गैप की फ्रीक्वेंसी है 28, 10 के गैप की बच्चों फ्रीक्वेंसी है 28, ध्यान से सुनना, 10 के गैप की फ्रीक्वेंसी है 28, तो 5 के गैप की फ्रीक्वेंसी कितनी मानी जाएगी? हम लिखेंगे 14 सितारा। बस मुझे मेन बात है कि आप ये समझे कि ये कैसे निकाला हमने। भाई हम 5-5 के गैप के हिसाब से फ्रीक्वेंसीज को लिखेंगे, तो अगर ये 10 के गैप की फ्रीक्वेंसी 28 है तो 5 के गैप के हिसाब से फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाएगी? 14, है ना। तो आपको 14 लिखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद फिर से देख लो, चलो एक और डेमो 30-40। ये भी फिर से 10 के गैप की फ्रीक्वेंसी है, तो 10 के गैप की फ्रीक्वेंसी 12 दे रखी है, ठीक है, ध्यान से सुनना, 10 से गैप की फ्रीक्वेंसी 12 दे रखी है, तो 5 के गैप की फ्रीक्वेंसी कितनी मानी जाएगी? 6, ठीक है ना। ये बात समझ आनी चाहिए बस आपको। इसी तरह एक और देखो, 40-60, ओ तेरी, 40-60 मतलब इस बार तो 40-60 20 के गैप की फ्रीक्वेंसी 24 दे रखी है, 20 के गैप की फ्रीक्वेंसी 24 दे रखी है, ठीक है ना। तो अगर 20 के गैप की फ्रीक्वेंसी 24 दे रखी है तो 5 के गैप की फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी? 6। ये बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। मैंने यूनिटरी मैथ्स भी करके दिखा दिया। इसी तरह इसको कैसे निकाला, 12/10 के गैप की फ्रीक्वेंसी है 12, तो 5 के गैप की कितनी? इसी तरह इसको कैसे निकाला, 10 के गैप की फ्रीक्वेंसी है 28, तो 5 के गैप की कितनी? तो इस तरह आपको फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है बच्चों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। हमें 5-5 के गैप के हिसाब से फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो अगर 10 के गैप की फ्रीक्वेंसी 28 थी तो 5 की कितनी हो गई? 14। 10 के गैप की फ्रीक्वेंसी 12 थी तो 5 की कितनी हो गई? 6। और 20 के गैप की फ्रीक्वेंसी थी 24, तो 5 के गैप की कितनी हो गई? 6। तो हमने फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर लिया। अच्छा, अब इस केस में हिस्टोग्राम देखो कैसे बनेगा। हम मान लेते हैं कहाँ से शुरू कर रहा है, 5-5 के गैप से, तो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60, है ना, ऐसे कर लिया। अब ध्यान से देखना बच्चों, 10-15 है 7, तो 10-15 है 7, तो मान लो 10-15 या आपने 7 बना दिया। उसके बाद है 15-20, 19, तो 15-20, 19 है, तो ये मान लेते हैं बच्चों 15-20 आपने 19 बना दिया, 19 के बराबर बना दिया। उसके बाद अब दे रखा है 20-30, 14, हमने एडजस्ट करके 14 लिया था ना, तो ध्यान से देखना बच्चों 20-30 कैसे बनेगा 14। अब हम 14 पर जाएंगे, 14 तक, तो हम 20-30 पूरा कवर कर लेंगे, तो 20-30 जो है वो 14 बन गया। तो ऐसे प्रेजेंट करेंगे 20-30, प्रेजेंट ऐसे करेंगे बच्चों, ध्यान देना प्रेजेंटेशन पे, अंदर गैप 5-5 का है लेकिन बिल्डिंग बनी पूरी 20-30 की, ठीक है ना। अब देखो अगला 30-40, उसका है 6, तो 30-40 का है 6, तो पूरा 6 बनाएंगे लेकिन 30-40, तो 30-40 तक पूरी बिल्डिंग बनेगी कितने की? 6 की। उसके बाद 40-60, 6, तो 40-60 की भी 6 है, तो 40 से लेकर 60 तक 6 की ही बिल्डिंग बनेगी। तो आपको इस तरह से हिस्टोग्राम बनाने पड़ेंगे इस केस में, क्योंकि इस बार है अनइक्वल इंटरवल्स। तो बच्चे सबसे स्पेशल केस है कि अनइक्वल इंटरवल्स में कैसे बनाने हैं हिस्टोग्राम। सबसे पहले तो 5-5 के गैप से फ्रीक्वेंसीज थी, तो हर केस में 5 के ही गैप की फ्रीक्वेंसी लिख ली, तो 14 बन गई, ये 6 बन गई, ये 6 बन गई। और फिर जब हम 5-5 के गैप से हिस्टोग्राम बनाएंगे तो ये तो चलो 10-15, 15-20 तो सीधा सीधा बन गया, अगला था 20-30 तो ऐसे बनेगा, अगला था 30-40 तो ऐसे बनेगा, और फिर तो था 40-60 तो ऐसा बनेगा। तो दिस इज योर हिस्टोग्राम अगर अनइक्वल इंटरवल्स हैं तो। बोलो बच्चों, ये सबसे स्पेशल केस है, इस पर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ,
प्लीज़ इसे ध्यान से पूरा नोट करना, वीडियो पॉज करके बाद में जब मैं एक्सप्लेन कर लूँगा, लेकिन इसको ध्यान रखना है। अनइक्वल इंटरवल का हिस्टोग्राम पक्का आएगा, आपको प्लीज़ ध्यान रखना है। जो सबसे छोटी इंटरवल होगी उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए बहुत से लोग इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। और कैसे एडजस्ट करना है, कॉमन सेंस, 5-5 के गैप के हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। तो अगर 10 के गैप की फ्रीक्वेंसी है 28, 10 के गैप की फ्रीक्वेंसी 28, तो 5 की कितनी हो गई, 14। इसी तरह लास्ट वाले में 20 के गैप की फ्रीक्वेंसी है 24, लेकिन आपको खाली 5 के गैप के हिसाब से चाहिए, तो आप 6 बना लोगे। और हिस्टोग्राम का डिज़ाइन देख रहे हो ना, कितना चटपटा सा बनेगा। पहले छोटी छोटी पतली बिल्डिंग है, फिर थोड़ा सा मोटी बिल्डिंग है, और फिर तो बहुत मोटी। तो वो जो भी क्वेश्चन में होगा उस हिसाब से हम हिस्टोग्राम बना लेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये सेकंड केस भी समझ आया होगा हिस्टोग्राम का, ठीक है ना। कहीं भी डाउट होगा आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके अपने रजिस्टर में खुद अच्छे से नोट करना। चलो एक और केस बचा है, फिर हिस्टोग्राम फिनिश। इस बार मैं आपको क्लास इंटरवल दे रहा हूँ 5-9 फ्रीक्वेंसी, 10-14 फ्रीक्वेंसी, 15-19 फ्रीक्वेंसी, 20-24 फ्रीक्वेंसी। तो बताओ इस बार क्या अनोखा लग रहा है आपको, क्या अलग है? सर कुछ भी अनोखा नहीं है, इस बार तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है। ना, सिंपल नहीं है बच्चों। अगर आप गौर फरमाओ तो ये आपको म्यूचुअली इंक्लूसिव सीरीज़ दे रखी है। क्या मतलब सर, म्यूचुअली इंक्लूसिव मतलब क्या? पढ़ाया था ना पहले कि 5-9, उसके बाद अगला इंटरवल सीधा 10 से शुरू कर दिया, 10-14, फिर अगला सीधा 15 से शुरू कर दिया, 15-19, अगला 20-24। हाँ, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज़ चाहिए। इनफैक्ट पूरे स्टैटिस्टिक्स में हमेशा ही ध्यान रखो, ये तो मतलब ये तो बात अब आगे तक चलती रहेगी, कभी इस पर दोबारा चर्चा ही नहीं करनी चाहिए वैसे तो हमें, कि पूरे स्टैटिस्टिक्स में अगर कभी भी इंक्लूसिव सीरीज़ दे रखी होगी तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो सबको आता है कन्वर्ट करना। कैसे करते हैं बच्चों, स्टेप क्या है, 9 और 10 का आप गैप देखो कि 9 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है। तो 9 और 10 के बीच में डिफरेंस है 1, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना बन गया, 0.5। तो अब आपके क्लास इंटरवल पता है कैसे बन जाएंगे, 4.5 to 9.5, 9.5 to 14.5, 14.5 to 19.5 और 19.5 to 24.5। बस, तो आपके क्लास इंटरवल ऐसे बन जाएंगे। और एक बार ये क्लास इंटरवल बन गए, मतलब एक्सक्लूसिव वाले, और ये तो इक्वल ही हैं, सब में 5-5 का ही गैप है, तो उसके बाद बस आपको कुछ भी नया नहीं करना। उसके बाद सेम प्रोसीजर जिस तरह से आपने हिस्टोग्राम बनाना सीखा, तो उसके बाद सेम प्रोसीजर एज डिस्कस्ड। लेकिन बस मुद्दे की चीज़ क्या, कि अगर इंक्लूसिव तरह की सीरीज़ दे रखी होगी तो आपको उसको एक्सक्लूसिव तरह के क्लास इंटरवल में पहले कन्वर्ट करना है, और उसके बाद हिस्टोग्राम बनाने का बच्चों सेम प्रोसीजर जो आपने पहले सीख लिया, या तो किंग्ड वाला, या वाई एक्सिस से चिपके बनेगा, या फिर नॉर्मल बनेगा। तो फिर वो कैसा भी बन सकता है, वो क्वेश्चन में दिया होगा। कुछ ना दियो तो आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हो। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा और आपको बात क्लियर हुई होगी कैसे हिस्टोग्राम बनाना है। बोलो बच्चों, बातें समझ आई? हाँ सर समझ आई। तो कहानी क्लियर हुई? हाँ सर क्लियर हुई। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। तो आप अपने रजिस्टर में वीडियो को समय समय पर पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना, अनइक्वल इंटरवल वाला भी, मिड पॉइंट्स दिए हों तो क्या करना है, अनइक्वल इंटरवल हो तो क्या, इंक्लूसिव सीरीज हो तो क्या। चलो अब होमवर्क लेते जाओ। होमवर्क में मैं आपको अपनी किताब के 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, डिस्प्ले करूँगा, उनके हिस्टोग्राम आपको बनाने हैं एज होमवर्क, ठीक है ना। रजिस्टर में होमवर्क बनाना है तो इसमें वो नहीं करना। चलो ठीक है सर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1,
ठीक है, वीडियो पॉज कर सकते हो, चाहे तो पॉज कर लेना। क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है ना, इसमें आपको क्या बनाना है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम बनाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, इसमें हिस्टोग्राम बनाना है, इसमें आपको मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना, हिस्टोग्राम बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, ड्रॉ हिस्टोग्राम, इसमें भी आपको क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। और तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एक और देता हूँ, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें भी आपको हिस्टोग्राम बनाना है। इसमें देखो इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है, तो आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स करना है इंक्लूसिव सीरीज वाला। उसके बाद क्वेश्चन फोर में मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, मतलब टू में, और क्वेश्चन वन और फोर नॉर्मल हिस्टोग्राम, ठीक है ना। तो बच्चों ये होमवर्क के चार क्वेश्चन अवश्य करें, खुद से हिस्टोग्राम प्रिपेयर करके देखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करना है, बाकी करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।